यो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल है? आप सभी को दिल से वेलकम करते हैं क्राफ्टर एमसी हाईपिक्सल स्काईवलो के एपिसोड नंबर 31 पर। तो इस वाले एपिसोड में हम लोग बनाने वाले हैं फार्मर वाला बोट्स। गाइस, मैं आपको दिखाने वाला हूं, अगर ये आप बोट्स पहनते हो ना तो आपको ऐसा लगेगा, अगर आप कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करोगे ना तो आपको लगेगा गाइस वो वीडियो गाइस 2x जो होता है ना, फॉरवर्ड 2x में वो आप देख रहे हैं, ऐसा देखने को मिलेगा। सच में गाइज काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और इसके साथ ही गाइज इस वाले एपिसोड में मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा बुरा चीज़ हुआ जो कि मैं आपको अभी जल्द ही बताने वाला हूँ। ओके, तो देखो गाइज हम लोग आइलैंड के अंदर हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ना रेसिपी दिखा लेता हूँ। ये कलेक्शन के अंदर हमें फार्मिंग के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ गाइस फार्मिंग के अंदर पम्पकिन के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा ये वाला बूट, फार्मर वाला। यहाँ गाइस मैं आपको रेसिपी क्लिक कर रहा हूँ लेकिन नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा सा ग्लिच के चलते, लैग के चलते वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है। बट कोई बात नहीं, हम लोग गाइस ये अभी इस वाले एपिसोड में बनाने वाले हैं। ओके, तो अभी गाइस हम लोग सबसे पहले जाते हैं कुछ पम्पकिन वगैरह जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ये सारा पम्पकिन कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी और हम लोग उसे एन्चेंटेड वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर एन्चेंटेड वाला 4 स्टेक होना चाहिए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा। अगर आप अनलॉक किए हैं तो और बनाना चाहते हैं तो मैं 3 टाइप से मेथड आपको बताने वाला हूँ, तीनों में आप कैसे भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ सबसे पहले तो आपका जो भी आप फार्म बनाए रहेंगे यहाँ से आप पम्पकिन वगैरह तोड़ सकते हैं। यहाँ से भी आप कलेक्ट करते हुए जो है धीरे धीरे इंजेंडेड में कलेक्ट मतलब क्राफ्ट करते उसे रखते जाओ और 4 स्टेक तक आप बना सकते हैं। या फिर अगर आपको लग रहा है गाइस कि अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ थोड़ा सा डिले हो रहा है तो भी आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है, लेकिन यहाँ पर मनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको उसके लिए गाइस जाना होगा मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर फार्मर वाला जो NPC है इसके सामने से ना आप बाई कर सकते हो अगर आप चाहे तो, ठीक है। यहाँ से भी आप बाई कर लेना और एन्चेंटेड वाला बना लेना, जैसे आपकी मर्ज़ी। अगर आपको अच्छा लगे तो ये कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सिंपल, सबसे पहले तो जैसे कि मैं अपना आइलैंड पर पम्पकिन तोड़ा, सब तोड़ना और इसके बाद आप टेलीपोर्ट हो जाना गाइस फर्टाइल वाले वैली के अंदर। यहाँ आप जैसे सामने आओगे पहले तो वीट देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आगे आप जैसे ही आते हो ना गाइस यहाँ पर ना आपको ढेर सारा पम्पकिन देखने को मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारा कलेक्ट करना होगा। और गाइस मैं यहाँ पर आपको ग्राइंडिंग नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज गाइस ये जो मैं एपिसोड बना रहा था पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाइस हुआ क्या कि मैं वो पूरा का जो 2 घंटा का रिकॉर्ड था वो गाइस गलती से डिलीट कर दिया। सो यार सॉरी भाई, क्या बोलेंगे, मैं पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चला डेट। एक्चुअली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और गलती से डिलीट कर दिया। तो ये जो है वो मैं ग्राइंड करने के बाद ना जब मुझे पता चला यार गलती से डिलीट हो गया, तो इसके बाद ना गाइस मैं ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर ना हम लोग क्या क्या किए थे गाइस, मुझे मेरे पास एक्चुअली 1 स्टेक ही पम्पकिन था और बाकी गाइस मुझे 3 स्टेक बनाना था, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं कलेक्ट किया, हम लोग पूरा का पूरा टीम कलेक्ट किए। फिर गाइस मैं मार्केट से ना 80,000 तक कॉइन उड़ा दिया। फिर पता चला यार पम्पकिन अगर आप बाय करते हो ना तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्योंकि एक पम्पकिन 8 कॉइन का है, जो कि भाई थोड़ा सा अगर आप परचेज करते हो तो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। सो गाइज मैं थोड़ा सा देखा, ठीक है, फिर पता चला यार नहीं भाई थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो अगेन गाइज हम लोग फिर आ गए फर्टाइल वैली के अंदर। यहाँ हम लोगों ने ढेर सारा ग्राइंड किया। यहाँ पर ग्राइंड करने के बाद गाइज कभी कभी होता क्या है कि लेक के चलते ना आपका इन्वेंट्री वगैरह नहीं खुलेगा। अगर ऐसा कुछ होता है ना तो आप गाइज सिंपल एक बार सर्वर को लीव करना और फिर से गाइज आप ज्वाइन हो जाना। ओके, अब गाइज ये सारे हम लोग कर लिए। इसके बाद 4 स्टेक हम लोगों का इंजेंटेड वाला पम्पकिन कलेक्ट हो गया। कलेक्ट होने के बाद यहाँ पर ना मैं एक बार आपको रेसिपी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो रेसिपी गाइज यहाँ पर रुको, खुल नहीं रहा, 1 मिनट गाइज। तो ये रहा गाइज आपका रेसिपी।
देख लो गाइस, सिंपल है, फोर स्टेक है आपका पम्पकिन का, फिर ये आप लोगों का फार्मर बूट रेड रेसिपी जो है वो बन जाएगा। और ये फार्मर बूट रेसिपी को भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। उस बूट का नाम तो मैं भूल गया गाइस, क्या तो नाम था गाइस, ठीक है, तो उससे मुझे लगता है डबल हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये तो हम लोगों ने बूट बना लिया, लेकिन अब ना मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कि नॉर्मल बूट और इस बूट में क्या अंतर है। तो जल्दी से मैं अपना कैमरा एंगल जो है वो चेंज कर लिया हूँ। इसके बाद देख लो गाइस, ये जो है वो हम लोगों का नॉर्मल वाला स्पीड है। देखो मैं यहाँ पर वीडियो को कोई फॉरवर्ड वगैरह नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल है गाइस, जैसे वीडियो चलता है, ठीक है, ये है। इसके बाद मैं थोड़ा सा अगर स्प्रिंट करता हूँ तो ये हो जाएगा, दो चीज़ हो गया। अगर मैं यही जगह ये बूट को मैं लगा देता हूँ तो देख लो, ओके, फर्स्ट नॉर्मल में पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे आप स्प्रिंट दबा दोगे तो आपको पूरा प्रॉपर पता चल जाएगा कि ये वीडियो तो भाई फॉरवर्ड मतलब 2x के स्पीड से चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, ये नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, ये बूट के चलते आपको ऐसे देखने को मिल रहा है। सच में गाइस, बूट की बात करें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो यहाँ पर पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप कहीं कैब वगैरह जाते हैं या फिर फार्म वगैरह करते हैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है भाई। ऐसा लगता है कि मेरा जो पूरा का पूरा गेम है वो 2x स्पीड से चल रहा है। वैसे आप लोग बना चुके हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना, यहाँ अगर इस आइटम पर इंचेंट वगैरह कुछ होता है तो वो भी हमें ज़रूर से ज़रूर गाइस बता देना। सो गाइज, इस वाले एपिसोड में हम लोगों ने स्पेशल गाइज पूरा का पूरा बूट ही अनलॉक करने में ध्यान दिए, ओके, इस वजह से गाइज बाकी दूसरा कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर वैसे मिनियन वगैरह थोड़ा बहुत हम लोगों ने अपग्रेड किया है, ओके। तो गाइज यहाँ पर ये बूट आपको कैसे लगा आप मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत सारे बंदे मुझे अभी भी पूछते हैं कि मैं कब कब खेलता हूँ, तो देखो गाइज मेरा जो खेलने का समय है वो है गाइज शाम के 7 तो नहीं 7:30 या फिर 8 बजे से लेके रात के 10:30-11 बजे तक, डेली का है, इवनिंग पर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं ऑनलाइन नहीं हूँ तो आप एक बार गाइज रात में 8 बजे के बाद डिस्कॉर्ड पर आके मैसेज वगैरह कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आइलैंड पर हूँ या फिर गाइज नहीं हूँ, ओके। सो चलो गाइज, मिलते हैं इस तरह के और भी मस्त वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। अभी के लिए गाइज गुड बाय एंड लव यू ऑल। We'll be right back.